अब ये तो सरकार का फेलियोर है, उसके सुरक्षा में लगे हुए तमाम महकमे का फेलियोर है, जो मुख्यमंत्री जैसे एक शख्सियत का जो सुरक्षा है, पूरे कॉर्केड है उसके, बाकायदा पूरा रूट है, वो सबसे संवेदनशील रूट है, उसको आप सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। रघुपासी ठंड से मर जाता है, अपने पालकोट गुमला में ठंड से एक दलित मजदूर मर जाता है और राज्य की सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है। एक दलित महिला शौच के लिए जाती है बस्ताकोला झरिया में और जमींदोज हो जाती है, लेकिन राज्य सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है। हमारा ये कहना है कि कल की जो घटना है वो घटना का पूर्ण जवाबदेही राज्य की सरकार और उसके महकमे किया है, ये फेलियर उनका है। एक स्कूल जो देती है बेहतर शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास का वादा, विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल, सेक्टर 2, धुरवा, रांची। झारखंड सरकार ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अपना एक साल पूरा कर लिया है, लेकिन भाजपा, जहां जो इस पार्टी के लोग यहां बैठे हुए हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि झारखंड में दलित और जो शोषित वर्ग है, खासकर जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके खिलाफ ये सरकार काम कर रही है और उनके मुद्दे जो हैं वो गौण हैं। इस वक्त हमारे साथ जो भाजपा के तमाम लोग हैं और साथ में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता अमर बाउरी भी बैठे हुए हैं, जो इस सरकार पर ये तमाम आरोप लगा रही हैं और इसमें 13 मांगे हैं जो ये सौंपने के लिए आए हैं, और इन 13 मांगों पर इनका कहना है कि सरकार विफल रही है। तमाम भूख से ठंड से जो मौतें हुई हैं उनको लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम बातचीत करते हैं और जानेंगे कि अमर कुमार बाउरी जो यहाँ पर खुद बैठे हैं क्या कहते हैं इस धरना के बारे में, क्या क्या मांग लेकर आज बैठे हैं आप लोग यहाँ पर। अपने झारखंड के अंदर कुल आबादी का 13.9% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग का है, इससे संबंधित जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं उसको लेकर के हम लोग आज धरना पर हैं। झारखंड का लॉ एंड ऑर्डर तो ही है, जिसमें महिलाओं के साथ बलात्कार, दलितों के साथ अत्याचार, ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक सर में सरकार में आने के बाद जिस तरह से भूखल घासी की मृत्यु हो जाती है और 6 महीने के अंदर जब उनके संज्ञान में आने के बाद भी 2 उसके और बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सरकार का कमिटमेंट होता है, लेकिन आज तक ना सरकार उनको जो कमिटमेंट करता है वो पूरा करता है, ना उसका आवास बनता है, ना उसको मुआवजा मिलता है, ना उसे घासी बस्ती का कायाकल्प होता है। ठंड आते ही के साथ जिस तरह से सुरही नावाडी का पंचायत बोकारो जिले में रघुपासी ठंड से मर जाता है, अपने पालकोट गुमला में ठंड से एक दलित मजदूर मर जाता है और राज्य की सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है। एक दलित महिला शौच के लिए जाती है बस्ताकोला झरिया में और जमींदोज हो जाती है, लेकिन राज्य सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है। ये सारे दलितों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसके विरोध हम लोग यहाँ धरना पर हैं। जो राज्य की सरकार के लिए एक अवसर केंद्र की सरकार ने दिया है, 1100 करोड़ से 6000 करोड़ रुपया जो उन्होंने छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो उन्होंने लागू किया है SC ST छात्रों को, SC छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए, हम लोग चाहते हैं कि राज्य का सरकार उसको फ्लेक्सी पे योजना के तहत ले और यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाए। ST 10 छात्रों को आप विदेश भेज रहे हैं हायर एजुकेशन, हम चाहते हैं SC के भी 10 छात्रों को बढ़ाएं। इस तरह से हमारे 13 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोग जो मांगे अभी जो बता रहे हैं, जिन घटनाओं का जिक्र अमर बाउरी कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये घटनाएं आपने भी देखी होंगी अखबारों और TV के सुर्खियों पर, हमारे खबरों की सुर्खियों में छाए रहे, चाहे वो भूखा घासी की मौत हो या ठंड से किसी की मौत हो या फिर झरिया में किसी महिला के जमींदोज हो जाने की बात हो। ये मांग आप किनसे करने के लिए आए हैं और आज ये धरना जो एक देशीय धरना है, आगे क्या कुछ और इस पर होना या फिर आज ये धरना खत्म हो जाएगा? निश्चित हम लोग इसको लगातार इसको आवाज़ उठा रहे हैं, सदन के अंदर भी हम लोगों ने उठाया था भूखल घासी का मृत्यु का, हम लोग पूरे राज्य स्तर पे आंदोलन भी किया, रणनीति भी बनाया, अभी हम लोग गए भी थे जो ठंड से मृत्यु हुए उन दोनों परिवारों के यहाँ टीम भी हम लोग भेजे हैं। आज महामहिम राज्यपाल के माध्यम से राज्य की सरकार को से हम लोग मांग कर रहे हैं। राज्य की सरकार यदि सचेत नहीं होती है, राज्य की सरकार गंभीर नहीं होती है, संवेदनशील नहीं होती है, तो जो भी लोकतांत्रिक अधिकार हमें है प्रोटेस्ट का, अपने हक और अधिकार लेने का, वो सारे उपचार हम लोग करेंगे और पूरे राज्य के अंदर अपनी आबादी को संगठित करके इस सरकार को बाध्य करेंगे कि इस वर्ग के जो समस्याएँ हैं, जो इनके मुद्दे हैं, उसको वो नोटिस करे, उसके सरोकार को ठीक करने का काम करे। ये हम लोग अपने संगठन के माध्यम से अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य स्तर में अपने वर्ग को संगठित करेगी। अमर जी, लेकिन जैसे झामुमो जो है खुद को आदिवासियों की पार्टी कहती है और ये कहती है कि हम आदिवासियों को और जो दलित हैं उनके हक के लिए खड़े होते हैं, और जब अभी आप ये मौत की बातें करते हैं तो उधर से एक बात आती है कि भाजपा सरकार में भी भूख से मौतें हुई हैं, चाहे वो जमुआ की बात हो, सिमडेगा की बात हो, तो ये बात उधर से भी आती है,
नहीं, ये जब भाजपा सरकार की आप बातें करते हो तो आपको बताना चाहिए कि जो एलिगेशन आप लगा रहे थे, सिर्फ एलिगेशन का जवाब प्रति एलिगेशन लगा करके, मतलब कि प्रति आप आक्षेप लगा कर, क्या आप अपने दायित्व से मुक्ति पाते हो क्या? मेरा कहना है कि ये भूखल गासी की मृत्यु और उसके बाद दो और लोगों की मृत्यु, ये प्रमाणिक है। और अब मैं बताना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के ही आंदोलन का प्रयास था, और आप जैसे प्रबुद्ध जो पत्रकार है उनका ही प्रयास था कि राज्य सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय झारखंड सरकार ने इसको संज्ञान लिया है, और जो एफिडेविट राज्य की सरकार ने जो दायर किया था उसको उन्होंने खारिज किया है, और उन्होंने निर्देशित किया है राज्य सरकार को कि आप पूरा एफिडेविट दायर करें, और जनवरी में उसका हियरिंग है। और मैं, मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने भले ही संज्ञान नहीं लिया हो, लेकिन उच्चतम न्यायालय निश्चित रूप से उस परिवार को न्याय दिलाएगा, और हम सब लोग मिलकर उसका न्याय दिलाएंगे। और यह सिर्फ पल्ला झाड़ने वाला बयान है, दलित विरोधी यह सरकार है। ये सारे घटनाओं से मैं आपको बार बार मैं बताना चाहता हूँ, जो भी घटनाएं हैं, जिस तरह से सुनील पासवान जी मेयर है, चुने हुए मेयर है, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मेयर है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण जेएमएम के विधायक वहाँ पर है, उनसे इनकी नहीं बनती है। ये सरकार ने असंवैधानिक तरीके से उनको पद से बर्खास्त कर दिया है। तो इस तरह से दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। जिस तरह से बरहेट में जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहाँ जिस तरह एक दलित बच्ची को दरोगा पीटता है, मारता है, ये क्या बतलाते हैं? अब क्या इस तरह का दलितों के हित ऐसी सरकार है? अगर है तो आप बताइए, जिसको फ्लेक्सी की योजना लीजिए, ये सारे चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, छात्रावास बनाइए। हमारे जो मुद्दे हैं भूखलगासी के परिवार को और उन लोगों को, हम कहाँ 25 लाख मांग रहे हैं? हम बोले आपदा प्रबंधन से जो पहले की सरकारों ने देता आया है, जो रघुवर सर, वही आप दीजिए, 4 लाख रुपये दीजिए। ये तो है कि दलितों को लेकर भाजपा भी अपनी राजनीति तेज कर रही है, कह रही है कि वर्तमान सरकार जो है, यानी कि जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, वह दलित विरोधी है। एक महत्वपूर्ण घटना कल चुकी हुई है, एक तो बलात्कार की घटना हुई है, उस पर आप लोग का स्टैंड बहुत क्लियर रहा, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, भाजपा प्रदर्शन कर रही है। कल मुख्यमंत्री काफिले पर हमला हो गया, और आपसे पूछने का मतलब ये है अमर जी, क्योंकि उसकी तरफ से, मतलब पार्टी की तरफ से, झामुमो की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बयान आ रहे हैं कि इसमें भाजपा की साजिश है और उनके द्वारा सुनियोजित तरीके से ये हमला करवाया गया है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से पूरे प्रदेश कार्यालय के मुख्यालय में इस घटना के विरोध में हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से, कौन सी घटना, ये जो ओरमाझी में जो हत्या हुई, यहाँ पे रांची के अंदर भी फिरायालाल चौक में घटना हुई, जो कल की घटना है वो घटना देखिए, जो लगातार जो चला आ रहा है बलात्कार की घटना, जिस तरह से चल रही है, और राज्य सरकार कान में तेल लेकर के सोई हुई है, आम नागरिकों के मन में भय है। जब राजधानी में इस तरह का निशंस घटना, जो कह सकते हैं कि भी निर्भया कांड को भी पीछे छोड़ने वाला है, और लोगों के मन में खौफ है, दहशत है कि आज यदि राजधानी तक में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और इतने बर्बर तरीके से हत्या की जा रही, तो कल हमारी बहू बेटियां भी है, वो भी सुरक्षित नहीं है, तो लोगों के मन में आशंका है, और वो विरोध कर रहे थे, वो आम जनता थे। अब ये तो सरकार का फेलियोर है, उसके सुरक्षा में लगे हुए तमाम महकमे का फेलियोर है, जो मुख्यमंत्री जैसे एक शख्सियत का जो सुरक्षा है, पूरे कॉर्केड है उसके, बाकायदा पूरा रूट है, वो सबसे संवेदनशील रूट है, उसको आप सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। पहले से लोग यहाँ तैयार थे विरोध करने के लिए, वो तैयार खड़े भी थे, आपने ज़बरदस्ती उस पर लाठियाँ बरसाई और जो भीड़ उग्र हो गई। आप जो उनके सुरक्षा में लगे हुए जो प्रशासन है, वो अपने फेलियर को छिपाने के लिए भोले वाले जनता को बलि का बकरा बना रहे हैं, और एक सेफ पैसेज लेने के लिए सीधा ठीक रहा है भारतीय जनता पार्टी को, एक कह सकते हैं स्तरहीन राजनीति करने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कृत्य का ना कभी समर्थन करती है, ना कोई प्रश्रय देती है। हिंसा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई दूर दूर तक नाता नहीं रहा है। हमारे लोग राजनीतिक हत्याओं का शिकार हुए हैं झारखंड के अंदर, हमारे महामंत्री और कितने हमारे जो है प्रतिनिधियों का हत्या कर दिया गया है। आप लोहरदगा में हो, चाहे फिर खूंटी में हो, हमारे लोगों का हत्या, बंगाल में हत्या हो रही है, हम लोग कभी भी हिंसा का सहयोग कभी हम लोगों ने नहीं लिया है। ये सिर्फ अपनी फेलियर को छिपाने के लिए स्थानीय प्रशासन ये इस तरह के बयानबाजी करके मामले को भटकाना चाहती है। हमारा सीधा डिमांड है, इस तरह की घटना अगर होती है तो इसके तो आप खंडन करेंगे कि इस तरह नहीं होना चाहिए? मैंने तो बोला ही, जिस तरह के सारी घटनाओं का भारतीय जनता पार्टी खंडन ही नहीं, निंदा भी करती है। हिंसात्मक किसी भी कार्रवाई का भारतीय जनता पार्टी खंडन करती है, निंदा करती है, और कभी भी हिंसा का राजनीति को कभी ना प्रश्रय देती है, ना कभी बढ़ावा देती है। हमारा ये कहना है कि कल की जो घटना है, वो घटना का पूर्ण जवाबदेही राज्य की सरकार और उसके महकमे किया है, ये फेलियर उनका है। जो बयान आ रहे हैं सत्ताधारी पार्टी द्वारा, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्यों भाजपा पर आरोप लगाएंगे? बोलो, अपने नाकामी को छिपाने के लिए, एक सेंटेंस में है, एक लड़की का गला काट करके हत्या कर दी गई, इतना जघन्य, पूरे देश नहीं पूरे विश्व मीडिया के माध्यम से आज झारखंड शर्मसार है।
और राज्य की सरकार और राज्य का पुलिस महकमा इसका उद्भेदन करने में नाकाम है। इससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बातें और बयानबाजी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बीच अमर बावरी थे जो कि पूर्व मंत्री हैं, भाजपा से विधायक हैं। इन्होंने ये 13 मांगे जो हमें यहाँ पर इस वक्त इस पन्ने पर इस पृष्ठ पर देखने को मिल रहा है, ये 13 मांगे जो अनुसूचित जाति के लोगों से संबंधित है, उनकी समस्याओं से संबंधित है, भूख से मौतें, ठंड से मौतें, इन तमाम चीज़ों को लेकर पूरी पार्टी यहाँ पर एक दिवसीय धरना दे रही है। साथ में जो मुख्यमंत्री पर जो कल आक्रमण मुख्यमंत्री पर ना कहे माफ़ कीजिएगा मुख्यमंत्री काफिले पर जिस तरह से हमला करने का प्रयास किया गया उसका इन्होंने खंडन किया है। साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी भी राजनीति में या इस तरह के कृत्य में विश्वास नहीं रखती है, खंडन ही नहीं निंदा भी करती है, लेकिन इसमें प्रशासनिक चूक है और इसीलिए सरकार या सत्ताधारी पार्टियां भाजपा पर इस तरह का आरोप लगा रही हैं जबकि ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, मैं विवेक आर्यन, नमस्कार। followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in